बात जो आपने कही थी, एक छोटे से प्रोडक्ट से आप दिन का 10-15 हजार रुपए भी कोला कहते हैं, बम्बू भी कहते हैं, ठीक है, उसको फोफी भी बोलते हैं, फोफी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो इससे तैयार होकर गिरा है जी, अब मुझे एक बार इसकी मशीन जरूर दिखा दीजिए किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार करना है, मतलब सारी जानकारी हम देंगे, ठीक है। कोई भी प्लांट को चलाने में ओनली 4 मशीनों का यूज में आती है, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में। आपको दिखा दो कौन कौन सी मशीनें होती है, वो आपको बता दी जाएगा। आप लोग देख भी रहे हैं किस तरीके से डाला जा रहा है, यहाँ पर डाला गया। इसे क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं हॉपर। हॉपर पूरी मशीन चावल मक्का जो भी है वो डाल दिया। ओला की डाई हमने लगा दी, ओला देखेंगे निकल के। इस वाली मशीन में हमें यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाना है, फिर यहाँ से कटिंग होता है सर। है इस मशीन को बोलते हैं ऑटोमेटिक पोला कटर मशीन। ऑटोमेटिक पोला भी लंबा या छोटा पोला चाहिए, यहाँ से हम सेट कर देते हैं उसको, ठीक है, ऑटोमेटिक जी। अब यही रॉ मटेरियल था जो हमने उसके अंदर डाला था, ये देखिए ये मक्का है। अब यहाँ से डालने का इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? मसाला स्प्रे करता रहता पोला के ऊपर, ओके, तो पोला पे वो तेल और मसाला चढ़ के बाहर निकल जाता है। अभी देख भी रहे हैं तैयार होके यहाँ पे आ रहा है, इसमें मसाला लग गया, सब लग गया। अब इसकी क्या नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसको पैकिंग करा जाता है। मैनुअल बक्सों में रख के अपने बैग में 50-50 पीस पैक कर लेते हैं मैनुअल, और कर सकते हैं। अभी इतना जितना भी अब देख रहे हैं आप लोग, ये तैयार करा गया है, ये मुश्किल से 1 घंटे का राइड में भी रख दिया, काफी सारा है। तो दोस्तों अभी दिखाया है मैंने किस तरीके से मशीन से ये प्रोडक्ट इस तरीके से पोला तैयार हो रहा है। अब सर ने बता दिया पैकिंग करी जाती है। अब बात आती है जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, एक कमेंट करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कैसी है, ठीक है, आपका सप्लाई चेन कितना स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा अगर जैसे कोई जुड़ता है सर, किसी ने हमारी वीडियो देखी, कोई यहाँ पे विजिट करता है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो प्लीज एक बार कंपनी में विजिट जरूर करें। क्यों सर, सही बोला ना, विजिट करके आपको पता लगेगा कंपनी कहाँ लोकेटेड है और काफी टाइम से इस बिजनेस के अंदर है। कोई सर खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? देखिए इस पूरा प्लांट की जो आपने देखा है 5.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इसकी, पंखे प्लांट की, पोला के प्लांट की इसकी, इसमें 5.5 लाख रुपए आएगा, बाकी GST अलग रहेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से मंगाएंगे आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, आपको बिल बना के दे दिया जाएगा, आप पेमेंट करें ट्रांसपोर्ट की, आप मशीन, तो उस मशीन से पोला भी तैयार कर सकते हैं। इस मशीन से आप कम से कम 10-15 तरह के आइटम बना सकते हैं, मतलब एक मशीन से 10-15 आइटम तैयार कर सकते हैं। और सर ने तो और भी ज्यादा आइटम बताए थे, बाकी इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं अगर आप चाहते हो, कौन कौन से प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे पास जैसे आपने देखा पोला का प्लांट हो गया, पूजवन प्लांट, कुरकुरे का प्लांट, चिप्स का प्लांट जी, नमकीन का और सोया बड़ी का, मैक्रोनी पास्ता का, क्या और बिस्किट का प्लांट, ये सब जरूरत है, मतलब इस टाइम बेसिक नीड्स है, इस टाइम हम ही सभी खाते हैं। और अब बात आती है ये कंपनी लोके